प्रदर्शित करता है और इनका वास्तविक चरित्र देखना है तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद उस सरकार का जो कोई फैसला था तो पहला फैसला था कि सीआरपीएफ कैंप रामपुर रहा हो, अयोध्या में राम जन्मभूमि रहा हो, अयोध्या काशी और लखनऊ की कचहरियों पर जो आतंकी हमले हुए थे इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित मंशा उस सरकार की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। और अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। यह इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते, इनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती है। ये हर एक उस मुद्दे को राजनीतिक तंग दायरे में देखना चाहते हैं जो संवेदनशील हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उन मुद्दों को भी संकीर्ण दायरे में देखने का प्रयास करते हैं और हम सबको इसके प्रति सचेत रहना होगा, सदैव सचेत रहना होगा। आप जानते हैं लव जिहाद के खिलाफ हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही एक सख्त कानून बनाया था और कैसे कैसे चेहरे छद्म नाम से हमें जो आशंका थी वह आशंका सच साबित हो रही है। जब आप देख रहे होंगे जगह जगह इस प्रकार के नमूने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे छुप करके उन लोगों के द्वारा समाज में विस्फोटन करके, दुष्प्रचार करके और पूरी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कुछ सी चेष्टाएं होती रही, ये निरंतर एक षड्यंत्र के हिस्से बनाए जाते रहे। इन सब को हमें समझने का प्रयास करना होगा और मुझे लगता है कि पूरी मजबूती के साथ अपने पक्ष को उन मंचों पर रखने में भी परहेज नहीं करना होगा जहां पर कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल होते हैं जो हमारे सकारात्मक पहल को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, उस समय इस बात को बताने की आवश्यकता है कि नहीं।